हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम विपिन कुमार है। तो आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, आज हम बात करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसे आपको पता है, कल आपका JBT का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो मुझे उम्मीद है और यकीन है आपने उसकी तैयारी अच्छे से करी होगी। और ये भी मुझे यकीन है, कॉन्फिडेंस है कि आपने जितने भी हमने सेशंस आपके सामने लाए हैं, आपने सभी देखे होंगे और उनके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, स्टडी की होगी और काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी की होगी। तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सबसे पहली बात, आपने जब एग्ज़ाम देना है तो नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो परेशान नहीं होंगे। उन्हें क्या करना है, जैसे ही उन्हें बुकलेट मिलती है उस पर गिवन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा आपका स्कूल का एग्ज़ाम होता है बस वैसा ही है। लेकिन ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो थोड़ा बच्चे डर जाते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ नहीं होगा। आपने तैयारी की है, हमने बहुत मेहनत की है, आपने मेहनत की है, एग्ज़ाम व्यू ने आपके साथ मेहनत की है। तो एग्ज़ाम व्यू के सभी फैकल्टी की ओर से आपको गुड लक देने आया हूँ, सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो। और एग्ज़ाम देने के बाद सभी अपना फीडबैक भी हमें शेयर करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितनी उन्हें हमारे सेशन से हेल्प मिली, क्या क्या उन्हें बेनिफिट वहाँ से मिला। ओके फ्रेंड्स, एक और जानकारी दे देते हैं आपको। जितने भी मेरे फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। इन 4 सेक्शन में से कोई भी सेक्शन आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सेक्शन आप पहले करना चाहो आप कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के सेक्शन को आप पहले कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। ओके, तो अगर आप शुरू में ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सेक्शन को उठा देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका टाइम निकल जाएगा। तो इस हिसाब से बाकी के रिमेनिंग 75 क्वेश्चन आप कब करेंगे, इसीलिए मैथमेटिक्स के पोर्शन को सबसे लास्ट में करेंगे। और ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि HP JBT एग्जाम्स के बाद एग्ज़ाम व्यू में कुछ नहीं होगा। ध्यान रहे, अभी बहुत सारी आपकी जो वैकेंसीज है, लाइनअप है, फॉरेस्ट गार्ड की लाइनअप है, पटवारी की भी आने वाली है, प्लस आपका BEd का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यानी बहुत सारी अभी वैकेंसीज आ रही हैं, उनके लिए भी एग्ज़ाम व्यू पर सेशंस अरेंज किए जा रहे हैं और अरेंज किए जाएंगे। तो कहीं नहीं जाएंगे, जो एस्पायरेंट्स है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे जुड़े रहें, हम और बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप हमें फीडबैक देते रहिए, जैसे जैसे आपके सुझाव आएंगे वैसे वैसे हम अपने स्टडी मटेरियल में भी चेंजेस करेंगे और टेक्निक में, पढ़ाने की टेक्निक पर भी चेंजेस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम व्यू के सभी फैकल्टी की ओर से मैं आपको गुड लक विश करने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ या मैं चाहूँगा कि आप सभी का एग्ज़ाम निकल जाए। एग्ज़ाम देने के बाद सभी अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर शेयर करेंगे। आई होप यू यू ऑल गेट सक्सेस। थैंक यू फ्रेंड्स।